अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लिप मेकर की, यानी जो क्लिप बनाते हैं अपनी वीडियोस के लिए। जैसा कि आपने अभी मेरे वीडियो के शुरू में देखा, वैसा ही बिल्कुल सेम, कोई फ़र्क नहीं होगा, वैसा आप लोग कैसे बना सकते हैं। तो हमें सिंपली जाना है ब्राउज़र पर, यहाँ पर हमें सर्च करना है क्लिप मेकर, यानी अपने गूगल ब्राउज़र पर जाना है, अपना क्रोम जो भी आपके पास, वहाँ पर आपको सर्च करना है क्लिप मेकर 3, जैसा कि मैंने भी सर्च किया। तो यहाँ पर दोस्तों पहले बात कर लेते हैं, यार अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कमेंट लाजमी करना, और बेल आइकन को भी ज़रूर से दबा दें, जो सब्सक्राइब के साथ ही होगी। तो हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर आपको इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा, फर्स्ट लिंक पर आपको क्लिक करना है पेनड्रॉइड पर। तो इस तरह का कुछ ये एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर कोई भी सा चूज़ कर लेना है, तो मैं यहाँ पर ये चूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये कमाल का लग रहा है यार। तो इसको आप लोगों ने इस तरह से ऑन करना है, यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। दोस्तों टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी कि ये बहुत मुश्किल होगा, दोस्तों ये बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ मेरे स्टेप फॉलो करने हैं। इसको हम ज़रा चला के देख लेते हैं किस तरह का, तो यहाँ से चलाएँगे। स्टॉप कर लेते हैं यहाँ पर, तो इस तरह का ये कुछ चलेगा। तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगे, हमने ये थर्ड वाले ऑप्शन में गए हैं क्योंकि हम ज़रा पहले इसकी टेक्स्ट चेंज कर लें। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगी टेक्स्ट की, टेक्स्ट यानी आप इसका जो लिखा हुआ है वो आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको तीन मिलेंगे, यहाँ पर तीन टेक्स्ट लिखे हुए हैं क्योंकि ये तीन लेयर बनी हुई हैं इसकी। आपको तीनों लेयर में अपना जो चैनल का जो नेम होगा आपका, वो आपको सर्च करना है, या फिर आप जो भी लिख सकते हैं अपने नाम, जो भी लिखना है आपको। सॉरी, तो इस तरह का आपको ये आएगा। तो यहाँ पर मैं अपने चैनल का नाम लिख रहा हूँ क्रेजी गेमर। तो यहाँ पर नीचे फ़ॉन्ट भी आप चूज़ कर सकते हैं। तो फ़ॉन्ट चूज़ करने के बाद आप लोगों को क्या कहते हैं, यहाँ पर बाकी चीज़ें भी आप देख सकते हैं, जैसे पोजीशन, साइज़, कलर, फ़ॉन्ट वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो इसको आप हम नहीं छेड़ेंगे क्योंकि हमें सिर्फ अपना नाम ही चेंज करना है। फ़ॉन्ट अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हमें ये तीन दफ़ा सर्च करना है। तो यहाँ पर इसको जल्दी से कर लेते हैं, फटाफट टाइम लगाते हैं, बगैर टाइम लगाए जल्दी जल्दी इसको हम कर लेते हैं। हमें इसको सिर्फ इधर पेस्ट करना है, कॉपी पेस्ट होता रहेगा, जल्दी हो गया। चलो ये हमारा जो हो गया, तो आप लोगों इसको थोड़ा बैक जूम इन आउट वगैरह माउस से जो होता है वो कर सकते हैं। तो इसको आप जहाँ पर सर्च तो इस तरह का ये बन चुका है अभी। तो उसके बाद ये बाकी चीज़ें चेक कर लेते हैं। ये फर्स्ट में आपको वीडियो का रेजोल्यूशन मिलेगा जो के, और ये नीचे फ्रेम रेट मिलेगा जो 30 फ्रेम रेट मैंने किया। यहाँ पर 4K की ऑप्शन है क्योंकि मेरा जो पीसी है वो हाई है बहुत, तो आपको ये नहीं मिलेगी। आपको जो भी इसे सेटिंग को नहीं छेड़ना आपको बिल्कुल भी। तो बाकी बस आपको यही जो मैंने सिखाया ये कर लें, अगर बाकी आपको मैं एक और स्टेप बता देता हूँ वो भी आप अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको और चीज़ें मिल जाएंगी, शटर वगैरह, यहाँ पर आपको जो है वो मिलेगा रोटेशन, शेक वगैरह, तो वो भी आप डाल सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये ब्लू, और यहाँ पर हमें ऑप्शन मिली है ये वॉइस की। ये देख सकते हैं आप, जैसे कि कोई लाइंस आ गई हैं, ये शेक की लाइन है। शेक स्पीड आप चेक कर सकते हैं, शेक आपको अपना कौन सा आपको डालना है वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम आ जाते हैं वॉल्यूम में, वॉल्यूम में आपके आने के बाद यहाँ पर अपने अपने जो आपके वॉल्यूम होंगी वो भी आप इसमें गाने वगैरह डाल सकते हैं, पर हमने नहीं डाले। और यहाँ पर वॉल्यूम मोड कस्टम, यानी फेड इन फेड आउट, मैं कस्टम ही रखता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। उसके बाद यहाँ पर हम आ जाते हैं, यहाँ पर कुछ और चीज़ें कॉपीराइट वगैरह, यहाँ पर आप अपना फीडबैक सेंड कर सकते हैं इन्हें। उसके बाद यहाँ पर आ जाना है आपको, यहाँ पर आपको मूड मिलेगा, यहाँ पर आपको सिर्फ जाना है गुड क्वालिटी सेट कर लें। उसके बाद अपना OPS आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं जोन सा आपका हो। तो मैं फर्स्ट वाला ही रखूँगा, मुझे यही सही लगता है क्योंकि आप
आप देख सकते हैं कौन सा आपको अच्छा लगता है ओबीएस, तो आपको कौन सा है। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी कैलकुलेटिंग, यानी आपकी वीडियो जो रेंडर हो जाएगी, तो इसका आपको थोड़ा वेट करना है। तो वेट करने के बाद आपको जो मिलेगा वो आप लोग कर सकते हैं। जैसे ये स्टार्ट हो गया, उसके बाद हम देखते हैं। Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Tell me pretty lies, look me in the face. ये जो कैलकुलेटिंग हो रही थी, रेंडरिंग, वो होने के बाद आपको ये इंटरफेस आएगा, डाउनलोड योर वीडियो, रिटर्न टू एडिटिंग। तो आपको सिंपली डाउनलोड करना है। अगर आपको एडिटिंग दोबारा कोई चेंज वगैरह करनी है तो आप कर सकते हैं। इस तरह का आगे फिर इंटरफेस आएगा, थैंक यू फॉर यूजिंग पेनड्राइड। तो यहाँ पर आपकी ये हो जाएगी डाउनलोड। तो यहाँ पर हम इसे देख लेते हैं कैसी की हुई है ये। देखा है दोस्तों आप लोगों ने। दोस्तों इसकी मैं आपको एक और बात बता दूं कि जैसा आप लोग इसको एडिटिंग के टाइम में देख रहे होते हैं, ये वैसा नहीं बनता, ये उससे थोड़ा चेंज ही बनता है। इसलिए आपको थोड़ा इसको एक्सपीरियंस होना चाहिए इसको बनाने में। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को यार सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.